नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। पिछले 14 साल से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ पॉइंट्स सिखाऊंगा, जिसमें आप पेट को कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं और पेट की अलग अलग समस्याओं में कौन सा पॉइंट दें। तो आज एक पॉइंट को सिखाता हूँ जिसके माध्यम से आप पेट की समस्याओं में इसका लाभ ले सकते हैं। आइए सीखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को हम न्यूरोथेरेपी में गॉल बोलते हैं, GAL मतलब गॉल। जब हम 3 पॉइंट में इसे कवर करेंगे तो 1 गॉल कंप्लीट होगा। तो इसके अलग अलग फंक्शंस हैं। इसको 1 गॉल भी देते हैं, 3 गॉल भी देते हैं, 9 गॉल भी देते हैं। यानी कि 9 गॉल हाइपर एक्टिविटी के लिए देते हैं। जब हम किसी बच्चे को जब हमें देखते हैं कि ADHD के सिम्टम्स हैं या वो कोई बच्चा हाइपर है, तो उस कंडीशन हम 9 गॉल का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे को पता है कि डाइजेशन के लिए दिया जा रहा है तो हम 3 गॉल का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें कोलेस्ट्रॉल या हार्ट पेशेंट को देना है तो 1 गॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो गॉल कैसे दिया जाएगा? आपकी लेफ्ट थाइस पर दिया जाएगा। 3 पॉइंट बनाने हैं इसके। ये पैंक्रियास का पॉइंट था, इसको छोड़कर 1 पॉइंट ये होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब हमने तीनों पॉइंट एक साथ कवर करे, 1, 2, 3 पॉइंट एक साथ किए, तो ये हमारा 1 गॉल कंप्लीट होगा। अब हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमें 3 गॉल देने हैं, 1 गॉल देने हैं, 4 गॉल देने हैं, या हमारे को 9 गॉल देने हैं। ये हमारे स्टडी का विषय है, ये हमारी न्यूरोथेरेपी का अलग कॉन्सेप्ट है। वो हमारा थ्योरेटिकल विषय है कि हमें कौन सा गॉल कितनी बार देंगे तो कौन सा केमिकल बनेगा। ये आज हम ये सीख रहे हैं कि गॉल ब्लैडर को हम कैसे स्टिमुलेट करते हैं। गॉल ब्लैडर को न्यूरोथेरेपी में स्टिमुलेट करने का ये तरीका। आपने सीखा कितने आसानी से हम पेट के ऑर्गन्स को ठीक कर सकते हैं और पेट में आई हुई समस्या को, चाहे वो कोई भी समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन हो, लूज मोशन हो, बहुत सारे जो भी समस्या आती है, IBS है, बदहजमी है, या आपको भूख नहीं लगती है, ऐसे सभी समस्याओं के लिए न्यूरोथेरेपी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया। इससे अधिक सीखने के लिए, बारीकी से सीखने के लिए आप हमारे सेंटर पर आकर इस कोर्स को भी कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं, बेसिक है, एडवांस है, डिप्लोमा है। और आपसे निवेदन करूँगा कि आप इन जो मैंने ये पॉइंट सिखाया है इसका आप इस्तेमाल करें, और अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो उसको किसी न किसी अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में इसका उपचार करें। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि न्यूरोथेरेपी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और लोग बिना दवा, बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक हो सकें। धन्यवाद।